Hey students, welcome back. Now we will start our second chapter of complex analysis, and this chapter is analytic functions. Dear students, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज के लेक्चर में हमारे पास कुछ टर्म्स होंगे जिनको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहली टर्म है फंक्शंस ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है। तो इस तरह आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का या कम्प्लेक्स आप कह लें नंबर, उनका भी क्या होता है, एक फंक्शन होता है, यानी फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल। इफ सर्टेन रूल्स बी गिवन बाय मींस ऑफ विच इट इज पॉसिबल टू फाइंड वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर w फॉर एवरी वैल्यू ऑफ z इन अ सर्टेन डोमेन d। अगर हमें किसी भी डोमेन में, ठीक है, एवरी वैल्यू ऑफ z के लिए में कोई ना कोई कम्प्लेक्स नंबर w मिले, तो w को हम क्या कहते हैं, w इज सेट टू बी फंक्शन ऑफ z। यानी हम क्या कहते हैं कि हमें z की वैल्यूज के लिए हमें क्या मिल रही हैं, किसी भी डोमेन में कम्प्लेक्स नंबर w मिल गए, ठीक है, वन आर मोर कम्प्लेक्स नंबर w, तो उन w को हम क्या कहते हैं, ये फंक्शन ऑफ z है। तो इसको हम राइट कैसे करते हैं, राइट इट f w इज इक्वल टू f ऑफ z, कि जो हमारे पास w है वो किसका फंक्शन है, z का, ठीक। सिंस z इज इक्वल टू x प्लस iota y, तो f ऑफ z ऑफ द फॉर्म u प्लस iota v। और जो f ऑफ z है, ये वाला f ऑफ z, इसकी टर्म किसको हम इस तरह लिखते हैं, u प्लस iota v की फॉर्म में, z को लिखते हैं x प्लस iota y में, और जो f ऑफ z होगा यहाँ पर हम लिखेंगे u प्लस iota v की फॉर्म, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ टू रियल जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x एंड y। अब u भी किसका फंक्शन है, x और y का है, v का भी फंक्शन किसका है, x और y, क्योंकि w किसका फंक्शन था, z का, तो z किस पर डिपेंड करते हैं, x पर और y पर। तो u की फॉर्म होती है u प्लस iota v, w की फॉर्म, तो जो u होगा वो x पर भी डिपेंड करेगा, y पर भी डिपेंड करेगा, इस तरह v जो होगा वो x पर भी डिपेंड करेगा और y पर भी डिपेंड। तो थस वी कैन राइट w इज इक्वल टू u ऑफ x y प्लस iota इनटू iota v ऑफ x y, एक्स वाई आर रियल। अब ये जो हमारे पास है ये इक्वेशन, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या, फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल। नेक्स्ट है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, कि इफ w टेक्स ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ z इन द डोमेन d, तो w हम क्या कहेंगे, ये यूनिफॉर्म या सिंगल वैल्यू फंक्शन, कि हमें तमाम हर एक वैल्यू ऑफ z के लिए हमें सिर्फ एक ही w मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं, w इज सेट टू बी यूनिफॉर्म और सिंगल वैल्यू फंक्शन, तो हम w को क्या कहेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। इसी तरह अगर टू और मोर वैल्यू ऑफ w में मिले फॉर ईच वैल्यू ऑफ z, कि हमें हर एक वैल्यू या सम, ठीक है, ऑल या सम वैल्यू ऑफ z के लिए हमें टू और मोर वैल्यूज ऑफ w मिले, तो हम क्या कहते हैं w को, ये मल्टी वैल्यू फंक्शन ऑफ z, ठीक है, क्योंकि हमें z के लिए w की दो या दो से ज्यादा क्या मिल रही है, वैल्यूज मिल रही है, इसलिए हमने w को क्या कहा है, ये एक मल्टी वैल्यू फंक्शन ऑफ z है। नेक्स्ट है डेफिनेशन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड ऑफ पॉइंट क्या होता है, और नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z नॉट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ सेट ऑफ all points z such that z minus z naught less than delta, ठीक है, ये हमने नेबरहुड की डेफिनेशन लेक्चर नंबर 6 में देखी थी कि फॉर एग्जांपल ये कोई z naught पॉइंट है। अब इसके अगर हम नेबरहुड की बात करूं तो इसका मैं क्या करूंगा, इसके डोमेन में कोई पॉइंट मैं z डिफाइन करूंगा, और अगर ये z क्या हो, इससे डोमेन में ही लाइक कर रहे हो z की, हम क्या कहेंगे, ये एक नेबरहुड ऑफ z नॉट है, ठीक है, और नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z नॉट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट z, जो कि इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो। यहां पर जो डेल्टा है ये हमारे पास क्या है, रेडियस है,
ठीक है, यानी जो भी हम यहाँ पर नेबरहुड ड्रा करेंगे ये उसका क्या है डेल्टा रेडियस है, यानी अगर हम जेड और जेड नॉट का डिस्टेंस देखें ये डिस्टेंस को शो कर रहा है जेड माने जेड नॉट, अगर ये डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो जाए इसके रेडियस से तो ये जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होंगे इसको हम क्या कहेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट, ठीक है। वेयर डेल्टा इज एन ऑर्बिटरी पॉजिटिव नंबर द नंबर डेल्टा इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ दिस नेबरहुड, ठीक है। इफ फ्रॉम आवर नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट द पॉइंट जेड नॉट इटसेल्फ इज डिलीटेड आर एक्सक्लूडेड देन वी गेट आवर डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, अगर हम क्या करें कि इसी जेड नॉट को क्या कर दें डिलीट कर दें इसको छोड़ के, यानी जेड का मोड लेस देन डेल्टा अगर ये इस तरह की कोई इक्वालिटी आ जाए तो तब हम क्या कहेंगे जो ये हमारे पास नेबरहुड है ये एक डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव कम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होता है, सपोज z is equal to x plus iota y and z naught is equal to x naught plus iota y naught, then change in z naught, अब देखें change in z naught क्या होगा, ये एक difference होगा del z, इसको हम del z कहेंगे जो कि z minus z naught, देखें change in z naught क्या होगा z minus z naught, तो इसको हमने नाम दिया है del z का, ठीक है। और डेल जेड क्या किस तरह इसको हम लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू क्या होती है एक्स प्लस एटा वाई, और जेड नॉट क्या होता है एक्स नॉट प्लस एटा वाई नॉट होता है, जब हम इन दोनों को वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमें डेल जेड की वैल्यू क्या मिलेगी एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एटा वाई माइनस वाई, अब ये इक्वल होगा एक्स माइनस एक्स नॉट ये इक्वल होगा डेल एक्स के और वाई माइनस वाई नॉट ये डेल वाई के इक्वल होगा। If a complex number w is equal to f of z is defined at z and z naught, अगर ये कोई मतलब function define हो रहा हो इस पर z पर भी define हो रहा हो और z naught पर भी, तो then the corresponding change in function is the difference del w, अब देखें w में हमारे पास क्या है ये f of z का function है और ये define है किस point पर z पर भी और z naught पर भी, ठीक है, इनके दरमियान हम अभी चेंज को डिस्कस कर रहे थे। तो अब ये अगर ये फंक्शन दोनों पर डिफाइन है तो इसका जो चेंज होगा वो क्या होगा डेल डब्ल्यू वो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड, ये क्या होगा डिफरेंस होगा डेल डब्ल्यू यानी चेंज इन फंक्शन, ठीक है, इज द डिफरेंस। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ अ लिमिट ऑफ द कोशेंट एट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो, अब डेल जेड हमारे पास क्या था जेड माइनस जेड नॉट के दरमियान डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस लेस है यानी जीरो को अप्रोच करता है तो ये जो टर्म है अगर हम इसको लिमिट अप्लाई करते हैं डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड पर तो ये हमें क्या क्या डेफिनेशन देती है डेरिवेटिव, यानी यहाँ पर जो डेल जेड जिसको हमने भी यहाँ पर डिवाइड किया है अगर ये अप्रोच करता है जीरो को तो जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं इस टर्म पर तो ये हमें क्या डेफिनेशन देती है डेरिवेटिव की। तो सपोज द कम्प्लेक्स फंक्शन f इज डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z नॉट, ठीक है, अगर कोई ये देखें ये z नॉट की कोई हमारे पास क्या नेबरहुड है ये z नॉट है, अगर इसमें कोई फंक्शन f ऑफ z यानी f क्या हो रहा है डिफाइन हो रहा है इन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z नॉट द डेरिवेटिव ऑफ f एट z नॉट इज डिनोटेड बाय f प्राइम ऑफ z नॉट, अब क्या करेंगे इस पॉइंट z नॉट पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा कि f प्राइम ऑफ z नॉट विच इज इक्वल टू लिमिट डेल z अप्रोचेस टू जीरो, यानी यहाँ पर कोई नंबर z होगा अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो अप्रोच कर रहा हो जीरो को तो f ऑफ z नॉट प्लस डेल z, ठीक है, माइनस f ऑफ z नॉट ओवर डेल z, ये क्या होगी डेफिनेशन होगी किसकी डेरिवेटिव। तो ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव आप कैलकुलस में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर इसकी सिर्फ जस्ट मैंने डेफिनेशन दी है। तो इफ द लिमिट इन वन एग्जिस्ट देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट दैट नॉट, तो अगर इक्वेशन नंबर वन की लिमिट एग्जिस्ट करती है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो जाती हैं
अब ये क्योंकि डेरिवेटिव है तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट जेड नॉट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हम क्या कहेंगे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा किस पर जेड नॉट पर, क्योंकि इसका फर्स्ट यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे आपस में इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है कि यूजिंग वन, अब हमने क्या करना है कि डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव को यूज करके हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया बाय ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड जेड प्लस जेड डेल जेड की हमें वैल्यू पहले चाहिए, यानी जो हमारे पास ये वाले जो फॉर्मूला है कि एफ प्राइम ऑफ जेड क्या होता है, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड ओवर डेल जेड। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे और डेल जेड पर क्या कर देंगे डिवाइड कर, फिर हम लिमिट अप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो देखें एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड क्या होता है, ये जेड प्लस डेल जेड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जेड में हम क्या करेंगे डेल जेड का पुट करके इसका क्या लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह माइनस फाइव एन टू जेड के साथ डेल जेड को हम क्या कर देंगे एड कर। अब स्क्वायर को हमने ओपन किया तो ये वाली टर्म आ गई, फिर माइनस फाइव जेड और माइनस फाइव डेल जेड। ठीक है, और इसको मजीद सॉल्व किया हमने जेड स्क्वायर प्लस टू जेड डेल जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस फाइव जेड माइनस फाइव ए जेड डेल जेड। अब हम क्या करेंगे इसी जब एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू आ गई इसमें हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसके साथ एफ ऑफ जेड को। तो एफ ऑफ जेड क्या है, जेड स्क्वायर माइनस फाइव जेड है, तो जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर कैंसिल, फाइव जेड से फाइव जेड, बाकी हमारे पास वैल्यू आ गई टू जेड डेल जेड प्लस डेल जेड का स्क्वायर माइनस फाइव डेल जेड। तो फाइनली बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर वन एफ प्राइम ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड ओवर डेल जेड। तो इन दोनों ऊपर वाले फंक्शन के हमें वैल्यू पता है, तो है टू जेड डेल जेड प्लस डेल जेड का स्क्वायर माइनस फाइव डेल जेड और डिवाइड कर दिया हमने डेल जेड। अब ऊपर वाले टर्म्स से क्या ले लेंगे, डेल जेड को कॉमन ले लेंगे और नीचे वाले टर्म से वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कॉमन लिया ये कैंसिल टर्म, बाकी ये वाली हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम क्या करने देंगे कि डेल जेड को तो जीरो पुट कर देंगे तो बाकी हमारे पास क्या होगा प्राइम यानी एफ प्राइम ऑफ जेड क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ जेड और टू जेड माइनस फाइव। अगर हम इसको इस मेथड से करेंगे, अगर हम इसको डायरेक्ट बाय यूजिंग रूल्स देखें तो फिर भी हमारे पास टू जेड माइनस फाइव बनता है। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।